पंजाब विधानसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल करने के बाद आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने जारी कर दिया है अपना मास्टर प्लान। तो क्या है केजरीवाल का मास्टर प्लान, क्या है आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी, बताएंगे आपको। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तवल। पंजाब विधानसभा चुनावों में 117 सीटों में से 92 सीट जीतने वाली आम आदमी पार्टी अब आगे की तैयारी कर रही है। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और उन चुनावों से पहले देश के कई अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे और उन्हीं विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी की जमीन तैयार करने के लिए केजरीवाल ने जारी किया है मास्टर प्लान। तो कहां कहां पर अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को अब प्रमोट करेंगे, और सिर्फ इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने ये भी तय कर दिया है कि किस राज्य में कौन कमान संभालेगा, कौन वहां पर चुनाव देखेगा, कौन प्रभारी होगा, तमाम डिटेल्स उनकी तरफ से साझा की गई हैं। तो किस तरह से आम आदमी पार्टी अब आने वाले दिनों में नेशनल पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाने जा रही है और किस तरह से जो आने वाले अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे वहां पर अपनी पार्टी को मजबूत करने वाली है, उसका मास्टर प्लान आपको अब बताएंगे हम। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर आम आदमी पार्टी की निगाहें हैं। 9 राज्यों में केजरीवाल आपको कूच करते हुए नजर आएंगे, जिसमें गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, तेलंगाना, केरल और पंजाब शामिल हैं। इस साल के आखिर में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अगले साल कई और राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे और कुल 9 राज्यों में फिलहाल अभी आम आदमी पार्टी ने अपने प्लान के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाई है और लगातार पिछले काफी वक्त से आम आदमी पार्टी का जो सदस्यता अभियान है वो चल रहा है और उसी के मद्देनजर आम आदमी पार्टी अपनी आगे की रणनीति को एग्जीक्यूट करती हुई नजर आ रही है। तो ये 9 राज्य तो हमने बताए जहां पर आम आदमी पार्टी की अभी निगाहें हैं और इन 9 राज्यों में किसे क्या जिम्मेदारी दी है वो भी आप जान लीजिए। तो असम में राजेश शर्मा को प्रभारी बनाया गया है, छत्तीसगढ़ में गोपाल राय को चुनाव इंचार्ज बनाया गया है, संजीव झा को प्रभारी बनाया गया है, संतोष श्रीवास्तव को संगठन मंत्री बनाया गया है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में चुनाव इंचार्ज बने हैं गुलाब सिंह, डॉक्टर संदीप पाठक को प्रभारी बनाया गया है। हरियाणा में सौरभ भारद्वाज को चुनाव इंचार्ज बनाया गया है, सुशील कुमार गुप्ता को प्रभारी बनाया गया है, महेंद्र चौधरी जो है वो सह प्रभारी बने हैं। अब बात हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में सत्येंद्र जैन, जी हाँ, जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो चुनाव इंचार्ज की कमान संभालेंगे। इसके बाद दुर्गेश पाठक को प्रभारी बनाया गया है, रत्नेश गुप्ता से प्रभारी बने हैं, करमजीत सिंह रिंटू को भी सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, कुलवंत बात सह प्रभारी बने हैं, सत्येंद्र टोंगर संगठन मंत्री की भूमिका निभाएंगे, विपिन राय होंगे चुनाव इंचार्ज के सेक्रेटरी और दीपक बाली को मीडिया इंचार्ज की जिम्मेदारी दी गई है हिमाचल प्रदेश में। अब बात केरल की, केरल में ए राजा को प्रभारी बनाया गया है। इसके बाद पंजाब की बात करें जहां पर अभी आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है, वहां पर जरनेल सिंह को प्रभारी बनाया गया है और डॉक्टर संदीप पाठक होंगे सह प्रभारी। अब बात राजस्थान की करते हैं तो राजस्थान में विनय मिश्रा चुनाव इंचार्ज होंगे। और अब तेलंगाना की बात करें तो सोमनाथ भारती वहां पर चुनाव इंचार्ज की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो इन 9 राज्यों में कौन क्या जिम्मेदारी संभालेगा, किसको क्या काम दिया गया है, उसके बारे में हमने आपको तमाम बातें बताई। तो आने वाले वक्त में जो अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से तैयार कर ली है और उसी को एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदारियां जो हैं वो भी बांट दी गई हैं। देखना होगा कि आने वाले 1-1.5 साल के अंदर जो चुनाव होंगे अलग अलग राज्यों में वहां पर आम आदमी पार्टी क्या पंजाब वाला करिश्मा कर पाती है या फिर नहीं। दिल्ली NCR की खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।